और के वो मोदी का नाम मतलब ये तो नहीं हो सकता है जो सत्ता में बैठा है फैसले वो करेगा तो वो क्यों जिम्मेदार नहीं है? हो सकता है हमारे साथ ही है लेकिन इनकी बात कह रहा है कि मोदी की मांग आप लोग की मोदी सरकार से ही है, मोदी साहब से कर रहे तो मोदी से ही मांग करेंगे ना, मोदी से मांग करेंगे। आपके भक्त तो बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है क्या? हमारा ऐसा नहीं होता है। जो आप हमारी जो मांग है वो तो मांग है हमारे पाकिस्तान की। देखिए आप लोग टीवी अखबार देखते हैं ना, देखते हैं उस पर कभी किसानों की खबर देखते हैं? बहुत कम। नहीं देखते हैं? नहीं देखते। कोई चैनल वाला आया है आपको? कोई नहीं आया। वहाँ पता है क्या चलता है आजकल? पाकिस्तान को मारो, मुसलमान को मारो, कश्मीर में मारो, और लोगों की रोजी रोटी जा रही है, लोगों के बैंक में पैसे डूब रहे हैं। अभी मुंबई में जिन्होंने बैंक में पैसा रखा था, बताइए सवाल मोदी से। बिल्कुल, और किसानों को भी चाहिए कि एक आंख दिल्ली पे रखे और एक आंख खेत पे रखे। मोदी जी तक पहुँचाओ, बस पट्टा जारी कराओ। हम जितने भी इकट्ठे हुए हैं, हम 97-98 से लगाकर किसी भी किस्म का पट्टा हो वो 0.5 पे पहले की सरकार ने भी दिया। तो इस तरह से ठीक है, मैं अफीम की खेती करता था लेकिन मेरा डिलेशन हो चुका है 2003-04 में। अच्छा, क्या लग रहा है जो अफीम की जो खेती करते हैं किसान, इनको किसानों को जो ये सरकार क्या सुविधा नहीं दे रही है, पूरा मामला क्या है? ऐसा है जैसे मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन लगातार 4 वर्ष हो गई तब से सरकार ये कहती है कि 97-98 के पश्चात जिन किसानों ने लगातार 5 वर्ष खेती की है ऐसे किसानों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे, लेकिन नियम ये लगा देती है बाद में कि 3-4 में खेती होना ज़रूरी है। जबकि पुराने किसान जो 97-98 थे, 98-99 से लेकर 2002-03 तक 5 साल पूरी हो जाती हैं, ऐसे किसानों को लाइसेंस नहीं दे रही है। लगातार 4 वर्ष हो गई तब से वंचित किया जा रहा है। वो तो 17-18 तक रह रहे हैं। तो मतलब किसानों को जो कठिन की खेती है उससे रोका जा रहा है? हाँ बिल्कुल, अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। ऐसा क्यों कर रही सरकार? अब ये तो सरकार जाने, लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ सबका, तो कहाँ हो रहा है? सरकार कहते हैं कि हम किसानों के साथ दोगुना करेंगे, नहीं हो रही। जब लाइसेंस नहीं दे रही है, जो यानी कि नीति के आधार पर हर तरह से वो उन्हें लाइसेंस का हक मिलना चाहिए, ऐसे किसानों को फिर क्यों नहीं दे रही सरकार? और गड़िया तो जो फिर दोगुनी कहाँ से हो जाएगी, बल्कि और चौथा ही रह गई। तो आपकी आय नहीं बढ़ रही है? नहीं। तो कुछ और खेती कर लीजिए आप। अब और खेती तो जितनी आप देख रहे हैं, अभी इतनी बारिश हुई है, सारी फसल नष्ट हो गई, तो कहाँ से जितनी लागत लगाते हैं हम वही वापस नहीं आ पाती है। अच्छा, इसमें जो पैदावार होती है कितना पैसा बच जाता है इसमें एक साल में करीब? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं बच रहा है आपको। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई? ये दिक्कत वो कट गए सब पट्टे उनके नेम से, मतलब पट्टे खारिज कर दिए गए हैं। तो ये रिन्यू नहीं होते हैं क्या? ये रिन्यू कैसे होंगे? तो मार भी नहीं बढ़ा दी तो नया नियम लागू कर दिया अलग से, औसत का अलग से, तो औसत का तो किसानों को बहुत सारी इसमें चीज़ें आ गई हैं जो किसान पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए उनके पट्टे नहीं हो रहे हैं। पट्टे नहीं हो रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला, राजस्थान से। अच्छा, प्रतापगढ़ से जी। तो आप भी खेती करते हैं अफीम से? जी। तो दिक्कत क्या? समस्या ये है कि मार्पिंग की वजह से मेरा लाइसेंस रुक गया। ये मार्पिंग क्या है हमें समझ नहीं आ रही। हटाई जाए इनको, ये मार्पिंग हटाई जाए। तो औसत के हमें मालूम रही थी कि हमको 60 किलो प्रति हेक्टर की ले जानी, 70 किलो प्रति हेक्टर की ले जानी। ये मार्पिंग का नियम हमें समझ नहीं आ रहा है, ये मार्पिंग हटाई जाए। आप खेती कर रहे हैं उसमें मार्पिंग बढ़ गई है? मार्पिंग दर रोज मतलब बढ़ाई जा रही है। अच्छा, पहले तो 5.9 रखा था, फिर अभी लाइसेंस जारी किए उसमें 4.5 रखा, इसमें भी हमारा लाइसेंस नहीं हुआ। ये हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या है मार्पिंग क्या। अच्छा, कितने किसान है जो जिनको लाइसेंस नहीं हुए इस बार? अभी 2/3 तो मतलब जो निरस्त हो गए, एक तिहाई रह गए, मतलब वो अफीम की खेती नहीं कर पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। तो फिर वो किसान क्या करेंगे अब? सब अब ये अभी बरसात की फसल तो नष्ट हो गई, ये बाद में कि अफीम की इसमें था तो ये आधे से ऊपर तो कट गई, तो रह गए क्या गेहूँ गए चने। इसमें हमारे लागत से भी ज़्यादा खर्चा निकल, ज़्यादा बैठ जाता है इसमें, कभी ओलावृष्टि है तो कभी ये पाला से सभी फसलें नष्ट हो जाती है। जो हमारी सरकार है मोदी सरकार, वो कहती है हम किसानों की आय दोगुना करेंगे 2022 तक, और उत्पाद वो जो लागत का 1.5 गुना देंगे।
वो कैसे देंगे जी? वो कैसे देंगे ये भी समझ में नहीं आया कि लागत हमसे ज्यादा हो जाती है इसमें फसल से। हाँ मजदूर ये सभी ये लागत से ज्यादा निकल जाती है और जब मंडी में जाते हैं भाव बिल्कुल डाउन हो जाता है हमारी फसल। तो आपकी जो आय घट गई है इस बार जी, फिर सरकार आपको मुआवजा वगैरह दे रही है? वो जो मुआवजा का नाम पे तो हमारे सब ये कागज पत्र सब तैयार करवा लेते हैं। जब बैंकों में और हम जाते हैं बीमा करता है, वो बीमा लेने जाते हैं तो क्या आगे से वो पास होके नहीं आया, ये चक्कर लगाने पड़ते हैं हमको बार बार, फसल नष्ट हो जाती है। जो क्रेडिट कार्ड के हम पैसे भरने जाते हैं उनमें हमारा ये बीमा क्लेम कटता है वहाँ पे, वो जब बाद में फसल नष्ट हो जाती है लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी पास होके आए भी नहीं। अंकल जी क्या नाम है आपका? आप किस कहाँ से हैं? पटना के बाद से आए हो? नहीं राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से। राजस्थान से। अच्छा आप भी खेती करते हैं इसके फीम की? हाँ। अब क्या लग रहा है? मार पीन कई वे होगा, मार पीन की नंगे नहीं पड़ रही या तो मतलब ईज मन हमजावे का मतलब मार पीन याद नहीं दिया तो मतलब माँ उन्हीं साहब को काम न करा। अब मार पीन को ले तो मार पीन जबकि माँ के जनदान आप जो मतलब पैदा करते हैं फिल्म उसमें मार्फिन भी होती है क्या? हाँ मार्फिन होती है। तो उसमें यदि मात्रा बढ़ जाएगी मार्फिन की तो वो रेट घट जाएगा फिल्म का? हाँ घटता होगा। अब मार्फिन नहीं होगा तो घटा की बात। दूसरी बात यह है वो कम के मतलब कांटापड़े तोले वो जनदान बीज का कर्मचारी कहते हैं मतलब बहुत अच्छा माल है, छह महीना बाद कैसे बताते वो मार्केट नहीं बैठ रही। आप बेचने जाते हैं अपने उत्पादन को पेमेंट नहीं होता है क्या? पेमेंट होता है सैंपल बाद में आता है क्या? क्या वापिस सैंपल तो उठे उठी बना पर आके सैंपल हमारे को क्या दे? हमारे को तो कुछ नहीं देता है, सैंपल तो सही करके दे देते सर। फिर बाद में कटिए बताते छह महीना बाद में कटिए छह महीना बाद जब आपका माल बिक जाता है मार्केट में या जहाँ आप देने जाते हैं उसको तो तुरंत पेमेंट नहीं होती है? तुरंत पेमेंट होती है सर। नहीं नहीं 10% रखते हैं वो तुरंत हो जाती है, मगर वो जिस मान से उन्होंने पास करते हैं उस हिसाब से हो जाती है। वो उसके बाद में क्या करते हैं वो 50% सिंपल रखते हैं, फिर बाद में 6 महीने बाद में बताते हैं कि घटिया है आपका। तो फिर आपसे पैसे वापस ले लेते हैं? फिर पैसे भी वापस लेते हैं और हमारा पट्टा भी काट देते हैं। हमारा कहना है कि सर उसी टाइम पर होना है जो भी होना है। अब 6 महीने बाद में हम आपसे दुकान से माल ले जाएंगे, उसके बाद में हम 6 महीने बाद कह आपका माल घटिया है तो पैसे नहीं लेगा वो सौकर हमसे? नहीं वो 6 महीने बाद जो उसकी क्वालिटी होती है वो घट जाती है क्या? नहीं घटती सर, नहीं घटती सर। माल सोना तो सोना ही रहता है, जो कि आज आप अपने टिफिन के अंदर अच्छा करके रखते हो खराब थोड़ी होगा वो 6 महीने बाद में खराब थोड़ी हो जाएगा। तो जब उनकी पॉलिसी है हमको क्वालिटी होती है वो घट कैसे जाती है ये समझ में नहीं आता। घट क्या मालूम क्या करते हैं लोग, क्या मालूम उसी में से अफीम निकाल के बेच देते हैं, क्या करते हैं हमें मालूम नहीं क्या होता है। उसके तो पास रहता है वो आप रखते हैं जो गोदाम होता है वहाँ कुछ उसमें छेड़छाड़ होती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।